दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। वरुण जी ने हमें कॉल किया है। वरुण जी, स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। हकीम साहब नमस्कार जी। आदाब हकीम साहब, मेरी है ना धड़न बार बार जा रही है, मेरी धड़न है ना बार बार हिल रही है, टिक रही है, जिसकी वजह से मेरे को लूज मोशन लग रहा है। लूज मोशन हो रहे हैं? हाँ, धड़न बार बार टिक रही है, धड़न टिक रही है मेरी, नाभि जो है अपने स्थान से खिसक रही है जी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए आप, और पैर आप अपने ऐसे जोड़ लें, और बगैर घुटने मोड़े आप अपने पैर छूने की कोशिश करें। आप समझ गए ना कि सीधा खड़ा होना है, बगैर घुटने मोड़े अपने पैरों को छूने की कोशिश करें, या किसी ऊंची जगह को जैसे ऐसे पकड़ के और ऐसे ऊपर को उठते हैं, या ऐसे करना शुरू करें। इससे आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उड़ीसा से कॉल कर रहे हैं पवन जी। पवन जी, अपना सवाल कीजिए। मतलब बाल मतलब झड़ रहा है इसे। जी, कितनी उम्र है पवन साहब? 60 साल की उम्र है। पवन साहब, 60 साल में तो बाल गिरते हैं, और अब इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। यह और बात है कि 60 साल में मेरे बाल अभी मौजूद हैं, और फिर भी मैं आपको दवा तो बताऊंगा, लेकिन इस तरफ अब ज़्यादा तवज्जो नहीं दीजिए। आप तो अब भगवान को राज़ी करने पर ज़्यादा तवज्जो दें, और एक नारियल पानी में आधा ग्राम गौन मोरिंगा मिलाकर पिया करें। अगर ये जमने होंगे या रुकने होंगे तो रुक जाएंगे। 1 महीने तक या 2 महीने तक आप ये इलाज करके देख सकते हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, करिश्मा जी ने हमें कॉल किया है हरियाणा से। करिश्मा जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। मैम नमस्ते। नमस्ते जी। मैम मेरे ना घुटने में प्रॉब्लम है, मैं तब लॉन्ग जंप लगा रही थी तो घुटना डिस्टर्ब होता है, तो मैं जब स्पीड से चलती हूँ या फिर दौड़ती हूँ तो घुटना निकलता है बाहर से साइड, ऐसा फील होता है जी। कितनी उम्र है बच्चा? हेलो सर, एज कितनी है बच्चा आपकी? 20 साल है। 20 साल 20 साल स्पोर्ट्स में आप कर रहे हैं, और कुछ दिन आप थोड़ा सा परहेज करें स्पोर्ट्स से, दौड़ने से या जंप लगाने से, और कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर रोज़ाना एक सुबह एक शाम खाने के पश्चात दूध से लीजिए, और 2-4 दिन सब्र करिए, और ऑपरेशन से भी बचिए। कोई कुछ भी कहे, ऑपरेशन नहीं कराना। ये कैप्सूल टी केयर आप लगातार खाएंगे तो आपको फ़ायदा बहुत जल्द मुमकिन है। छोटी बच्चियाँ, कम उम्र बच्चे या बच्चियाँ बहुत जल्दी अच्छे होते हैं। और सुधा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं फ़ोन लाइन पर, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सुधा जी, क्या सवाल करना चाहती हैं आप? मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है, हैरान। ठीक है सुधा जी, बीपी पर नज़र रखिए, और थायराइड का मैं इलाज बताता हूँ, घरेलू नुस्खा, और एक एक्सरसाइज सबसे पहले समझ लीजिए कि ऐसे सीधा बैठे रहें, मेरी तरह बैठे, और ये आपको रोज़ाना 2-3 मिनट करना है। एक साथ तो नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके 3 मिनट कर लिया करिए, चाहे 3 बार में करें, 4 बार में करें, एक ये और एक ये, ऐसे ये भी 3 मिनट करिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके चक्करों के लिए, सर्वाइकल शुरू हो गया आपको, और थायराइड ठीक कर लें तो आपका बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। थायराइड का एक नुस्खा जो बहुत कामयाब है वो आप लिख लीजिए, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम अलसी, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, और 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद, इसको आप पाउडर बनाएं
और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाएं गर्म पानी से, और वो थायराइड की गोली भी आप खाती रहें। अपनी पुरानी रिपोर्ट अपने पास रखें, हर 2 महीने में आप अगर आप दोबारा से थायराइड की जांच कराएंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपका थायराइड कम होने लगा और आपके डॉक्टर आपकी थायराइड की गोली कम करते करते बहुत जल्द छुड़ा देंगे और आपको इसमें फ़ायदा होना मुमकिन है। एक और दर्शक है, नीरज जी हैं, पटना से हमें कॉल कर रहे हैं। नीरज जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी हैं जिनकी उम्र 52 साल है, उनको गठिया बात है जिसका कोई स्थायी इलाज नहीं मिल पा रहा है। ठीक है बेटा, देखिए मेरी बात आप गौर से सुन लीजिए, या मम्मी आपके साथ बैठी हों तो वो भी तवज्जो दें, और लिखना ज़रूरी है, कुछ गलत मत लिखना। बहुत आसान इलाज है गठिया का, और गठिया वाले को थोड़ा संयम वाला होना चाहिए। जो इलाज करते हैं करते रहें, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ वो आप खुद बनाएं। देखिए एक चीज़ आती है अलसी, अलसी आपकी मम्मी ज़रूर जानते होंगे, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं, यंग बच्चे हैं। अलसी लीजिए 500-600 ग्राम, और उसको हल्का सा भून कर इसका पाउडर बना के मम्मी को दें, और उनसे कहें कि एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाने के बाद लेनी है गर्म पानी से। और इसमें एक चीज़ अलग से पाउडर बनाइए, गोंद स्याह यानी काला गोंद, एक गोंद आता है जिसको गोंद स्याह कहते हैं या काला गोंद कहते हैं, ये मुश्किल से मिलता है, नकली भी बहुत मिल जाता है, तो असली लेना, कोई दुश्वारी आए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से मदद ले सकते हैं। ये 100-200 ग्राम खरीद लीजिए, और इसका पाउडर अलग बना के रखें, और जब भी ये अलसी खाएं इसमें 1 या 2 चुटकी गोंद स्याह मिलाकर 1 चम्मच अलसी में, और रोज़ाना 2 बार खिला दें, आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। एक और दर्शक हैं, बरेली से हमें कॉल किया है मीना जी ने। मीना जी स्वागत है, क्या सवाल है आपका? हाँ वैद्य नमन जी, मैं आपका प्रोग्राम रोज देख रही हूँ, मैंने सुना भी। आपकी, हाँ, मेरी उम्र 55। आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा ऐसे बोले। मेरी उम्र 55 साल है, मैं मीना बरेली से बोल रही हूँ। जी जी, सवाल पूछें। हाँ, मेरे लिए क्या कहते हैं, मेरे कोहनी में और मुझे गट्टों में दर्द रहता है। जी में। जी, कोहनी में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कब से है, क्या इलाज किया है? इलाज तो भाई जो बताता है वो करते ही रहे, अब मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मैंने आपसे ठीक है पूछना चाहा। देखिए इसका एक स्थायी इलाज है, ये जो भी दवाएं आपने अब तक खाई हैं ये इससे अलग है, और अगर आपको भरोसा होगा तो ठीक भी होना मुमकिन है। देखिए या तो गोंद स्याह असली मिल जाए आपको, ये नकली बहुत मिलता है, गोंद स्याह काले गोंद को कहते हैं, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है और नकली भी लोग दे देते हैं, तो गोंद स्याह लीजिए असली वाला, और 0.5 ग्राम सुबह 0.5 ग्राम शाम खाने के पश्चात पानी से बगैर चर्बी के दूध से या जूस से भी ले सकते हैं। ये अगर 100-200 ग्राम भी आपको मिल गया तो आपका ये ख़त्म होने से पहले आप रोग मुक्त हो सकते हैं, लेकिन लेना असली, और अगर नहीं मिले इत्तेफाक से परेशानी हो तो फिर कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने से भी आपको फायदा होना मुमकिन है। सुमन जी ने हमें कॉल किया है आगरा उत्तर प्रदेश से, उनसे बातचीत करते हैं। सुमन जी सवाल कर सकती हैं आप। राधे राधे जी, राधे राधे। ऐसा है, मेरी 60 साल की है, मेरे बहुत परेशानी है, पूरी नसें सुकड़ गई है, मैं चल फिर नहीं पाती, मैं सीढ़ी भी नहीं उतर पाती हूँ, और घुटनों में दर्द होता है बैठने उठने में, और सोती हूँ तो होते मेरे हाथ ऊपर नहीं उठते हैं बिल्कुल भी जी, बहुत तकलीफ हो रही है, मैं अपनी छोटी तक नहीं कर पाती हूँ जी। जी देखिए एक नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, और वो बड़ा कारगर है, और अगर आपने इसको लगातार लेते हैं तो अपनी चोटी और दूसरे की चोटी भी आप अपने हाथ से कर सकते हैं।
लेकिन एक दो बातों का ख्याल रखें कि आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर हो, यानी ये कुर्सी वाला टॉयलेट, तो आप आसानी से ठीक हो जाएंगे। जब भी अपनी ज़रूरत पूरी करें कुर्सी वाले टॉयलेट पर करें, और अगर ये नहीं है तो वक्त ज़्यादा लगेगा, आप खुद समझ लें कि आपको क्या करना है। देखिए 500 ग्राम अलसी लें और इसमें 150 ग्राम गोंद स्याह मिलाएं, मिला लें, इसे पाउडर बना लें, और एक एक ग्राम तीनों टाइम खाने के बाद बग़ैर चर्बी के दूध से इस्तेमाल करें। और ये जो मटेरियल मैंने बताया 650 ग्राम, ये ख़त्म होने से पहले आपको दर्द ठीक होना मुमकिन है। और इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र से हमें कॉल किया है गीता जी ने। गीता जी सवाल करिए। मैंने अभी सुना था थायराइड है मुझे भी और पीसीओडी भी है, तो उसके लिए कुछ उपाय बताएं। बिल्कुल, इनके लिए जी या और मेरे हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होता है उसी वजह से जी, कोई यूनानी दवा इनके लिए अगर आप बता सकें। देखिए एक नुस्खा जो आप अभी सुन रहे थे वो दोबारा बताता हूँ, लेकिन ये पीसीओडी के लिए, बाल गिरने के लिए, क्योंकि बाल आपके थायराइड की वजह से गिरते हैं, और आपके थायराइड के लिए, थायराइड का मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा नुस्खा नहीं देखा और इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचते हुए देखा, क्योंकि लाखों और करोड़ों व्यूवर्स ने इस्तेमाल किया और उनके फीडबैक भी आते रहते हैं। तो देखिए अच्छा आसान नुस्खा है, लेकिन क्वांटिटी का ख्याल रखें जो मैं बता रहा हूँ। धनिया 300 ग्राम, धनिया दाना 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, आंवला सूखा मिलता है वो 100 ग्राम, और 100 ग्राम मेथी, और 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद, सफ़ेद वाला लेना, इसमें नकली भी मिलता है, लाल वाला नकली होता है, गौन मोरिंगा सफ़ेद, इन सबको लेकर रॉ मटेरियल घर में पाउडर बनाएंगे तो अच्छा ये लगेगा कि आपने असली दवाएं पाउडर बनाई। और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, खाली पेट और रात को सोते समय गर्म पानी से लें, आप देखेंगे कि ये आपका जो थायराइड की दवा है वो धीरे धीरे कम करते जाएंगे आपके डॉक्टर, क्योंकि आपका थायराइड कंट्रोल होने लगेगा। अपनी पुरानी और नई रिपोर्ट आप जब देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि थायराइड तेज़ी से कम होने लगा, डॉक्टर आपकी थायराइड की दवा को की पोटेंसी कम करते जाएंगे और बहुत जल्द उससे आपको निजात मिल सकती है। चलिए इसी के साथ एक और दर्शक हैं, अश्वनी जी ने हमें कॉल किया है कुरुक्षेत्र से। अश्वनी जी क्या सवाल करना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। आदाब। नमस्कार हकीम जी। आदाब भाई। हकीम जी मेरी जो हार्ट बीट है ना वो बहुत मिस करती है, रुक रुक के चलती है काफी। कब से क्या बताया डॉक्टर ने, कितनी एज है आपकी? मेरी एज 50 साल है सर। डॉक्टर क्या कहते हैं आपको? डॉक्टर तो कुछ डॉक्टर दवाई दे देते हैं, उन्होंने मेटाप्रोल एक्साप दे रखी मेरे को। ठीक है, तो देखिए दिल के रोगियों के लिए एक नुस्खा बहुत कीमती है जो मैं अक्सर बताता हूँ, उससे लोगों को फायदा होता है। चाहे हमारा हार्ट ब्लॉकेज हो, चाहे हमारी हार्ट नसों में चर्बी जमी हुई हो, चाहे हमें ब्लड प्रेशर हो, या दिल की धड़कन में परेशानी हो, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, या दिमाग में कहीं कोलेस्ट्रॉल जमने से जो फालिज वगैरह हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए बड़ा ख़ास नुस्खा एक तोहफा है, और वो है कि लहसुन का जूस निकालें 1 लीटर, अदरक का जूस निकालें 1 लीटर, और ये जो आपका नींबू है इसका भी 1 लीटर जूस निकालें, और 1 लीटर सिरका लाएं, जैतून का सिरका इसमें मिला दें, यह आपकी 5 महीने की दवा तैयार हो गई। और
ये ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा मुमकिन है। इसका इस्तेमाल तरीका इस्तेमाल ये है कि 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद ले लें, ज़रा तेज़ होता है, ऐसी नेट पी लें और बाद में पानी पी लें, और 3 चम्मच रात को सोते वक्त भी खाने के बाद आप ले सकते हैं। और ऐसे रोगियों को जिनका मैंने ज़िक्र किया उनको फ़ायदा होना मुमकिन है।